हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष मोहन आपके पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाला बटन दबाकर इसको और दूसरे दोस्तों को भी, अपने सगे संबंधियों को भेज दीजिए, जिससे कि उनको भी मेरी नई जानकारियां मिलती रहे, जो कि आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और उनके लिए भी। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सलाद के बारे में, हमें सलाद कैसा खाना चाहिए। ठीक है, तो सलाद के बारे में बात करूंगा दोस्तों, और बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत जानकारी आपको मिलने वाली सलाद के ऊपर, जो कि शायद आपको पता नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो कहां तक देखना है आपने? अंत तक। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं दोबारा से आपके पास में बताने के लिए सलाद के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया अभी, सलाद हमें कैसा खाना चाहिए, सलाद हमें क्या खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया आपको खीरे के बारे में। खीरा हमें जो है रात में नहीं खाना चाहिए। सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीड़ा। यानी सुबह जितना खीरा खाएंगे बहुत हितकर होगा, रात को तो खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और खीरे का रायता तो रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, सलाद के बारे में और चीज मैं बता दूं आपको, मूली यदि आप खा रहे हैं सलाद में, तो आप ध्यान रखें कि दही साथ में नहीं होना चाहिए। मूली और दही का कोई मेल नहीं है, मूली और दही आपको ठंड ठंड दे देगा, और ठंड में तो ये बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, आपका जो है कफ प्रवृत्ति को बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं आपको बीमार कर देगा, यदि आपने मूली और दही के साथ खाया तो। और सलाद जो है रात में कम खाना चाहिए, दिन में ज्यादा खाना चाहिए। यानी आप जब लंच करते हैं, यानी दोपहर का भोजन करते हैं, तब आपको सलाद अधिक मात्रा में लेना चाहिए। सलाद में क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और आपकी कब्जियत को भी दूर करता है, जैसे कि मैंने पुराने वीडियोज में भी आपको बताया है। तो दोस्तों, ये सब चीज जो है आयुर्वेद पर बेस्ड है, आयुर्वेद पर आधारित है, तो आयुर्वेद पर तो लौटना ही होगा, क्योंकि आयुर्वेद ही है तो मुमकिन है। मेरी दो पंचलाइन याद रखा कीजिए, आयुर्वेद के बारे में जितना ज्ञान आपको मिलता है सहेजते जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये आपके शरीर के लिए, क्योंकि प्राकृतिक ज्ञान है, तो शरीर के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो दोस्तों, मैं सलाद के बारे में बात कर रहा था। सलाद दोपहर में यदि आपको खाना है, तो खाने से पहले आप अधिक मात्रा में जितना भी खाना चाहे सलाद खा लें। रोटी कम खाएं, सलाद ज्यादा खाएं, मोटापा कम होगा आपका। यदि आप मोटे हैं तो उससे भी फर्क पड़ेगा, और यदि नहीं है तो मोटे नहीं होंगे, शरीर आपका छरहरा रहेगा, आपको फैटी लिवर, पीलिया या आपको पथरी की बीमारियां से भी बचे रहेंगे। हाँ जी, इसको मैं इसकी केमिस्ट्री मैंने दूसरे वीडियो से बताई है, आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। पथरी के ऊपर वीडियो है मेरा, और दूसरा फैटी लिवर के ऊपर वीडियो है, तो देख सकते हैं उसको भी, आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप जो सलाद दोपहर में खाते हैं, उसको खाना खाने से आधा घंटा पहले खाएं। हाँ जी हाँ, सलाद आपको आधा घंटा पहले खाना चाहिए दोपहर में, जो भी आप खा रहे हैं उसके बाद ही आप खाना खाएं, तो आपके भूख को भी बढ़ाएगा लेकिन आपको मोटा नहीं होने देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा लेकिन आपको फैटी लिवर नहीं होने देगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि आपको सलाद कब और कैसा खाना चाहिए। हाँ, खाने के साथ भी आप सलाद खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक सलाद आप खाने के पहले आधा घंटा पहले खाएंगे तो ज्यादा आपको लाभ देगा। तो दोस्तों, चलता हूं, मिलूंगा आपसे फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए, और देखते रहिए आप अपना पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम मित्रों।